क्यों अल्लाह ने जौजा को, जौज को और जौजा को एक दूसरे का हम पल्ला करार दिया? इसलिए कि एक दूसरे के मददगार हैं। हमारे माशरे का कोई ससुर अपने दामाद से वो सवाल नहीं करता, इसलिए कि माशरे ने शादी का मतलब ही कुछ और ले लिया। जो सवाल सरकार ने अपने दामाद से किया, शादी के दूसरे रोज मौला अली से पूछा, बताओ मेरी बेटी को कैसा पाया? और मौला अली ने भी क्या जवाब दिया? नेमल औन अला तातिल्ला, मैंने फातिमा को अल्लाह की इताअत में मददगार पाया। जो कायनात का मददगार हो उसकी मददगार फातिमा। याद रहे अजीजो, जोड़े बराबरी की बुनियाद पर कहे जाते हैं, होते नहीं है। फला एम में पास है, लड़की भी इतनी, फला बड़े घर का है तो लड़की भी बड़े घर की, कुफ मिल गया, हम पल्ला मिल गए। बाज लोग तो कहते हैं जी फला का फला से रिश्ता हो गया। भाई जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं ना, जोड़े आसमान पर बनते हैं और ना ही कोई बीवी किसी शोहर की हम पल्ला होती है। जुमला महसूस करेंगे, जोड़े आसमान पर नहीं बनते, जोड़ा आसमान पे बना है और वो अली और बतूल का जोड़ा है। अल्लाह ने जिस शादी और जिस जोड़े को आसमान पर बनाया है वो जनाबे जहरा और मौला अली का जोड़ा है। फातिमा बताओ, फातिमा बताओ, मैं तुम्हारा मेहर क्या रखूं? मैं तुम्हारा निकाह अली से कर रहा हूं। अर्श पर अल्लाह ने निकाह पढ़ाया जनाबे जहरा का, जमीन पे मुस्तफा ने पढ़ाया।